साबिक वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कल शाम दारुल उलूम रहमानिया तलाबकट्टा पहुंचकर रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए उलमाए किराम से मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि बीआरएस सेकुलर उसूलों पर कायम है और आइंदा भी सेकुलरिज्म के उसूलों पर पाबंद रहेगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में मुस्लिम अकलियत भाई के लिए गैर मामूली इकदाम किए गए। उन्होंने कहा कि सीआर एक हकीकी सेकुलर कायद है और उन्होंने तेलंगाना को मुल्क की मिसाली रियासत में तब्दील किया है। कहा, तेलंगाना कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है जिसे दुनिया भर में कदर की निगाह से देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पुराने शहर के दारुल उलूम रहमानिया में उलमाए किराम के इजलास की इत्तला मिलने पर वो मुलाकात और दुआ हासिल करने के लिए पहुँचे हैं। इस इजलास में ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुख्तलिफ रियासतों से उलमाए किराम शरीक थे। उन्होंने अपील की कि मुल्क और ख़ास तौर पर तेलंगाना में अमन अमान के साथ अवाम की खुशहाली और भलाई के लिए बारगाह खुदाबंदी में दुआ करें। उन्होंने कहा कि जहाँ अमन होता है वहाँ तरक्की होती है, बदअमनी के माहौल में तरक्की मुमकिन नहीं। कहा, बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना अमन का गहवारा और रियासत ने मिसाली तरक्की की है। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई की तरह ज़िंदगी बसर करें और यही हिंदुस्तान की शनाख्त है। उन्होंने कहा, बीआरएस ने सेकुलरिज्म के फ़रोग और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार रखा। इस मौके पर मौलाना शाह जमालुरहमान मिफ्ताही, मुफ्ती गयास रहमानी, मुफ्ती ज़ुबैर कासमी, मुफ्ती अबरारुल हसन, मुफ्ती आमिर कासमी और मौलाना मोहम्मद बानईम के अलावा मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खादरी व दीगर उलमा मौजूद थे। उनसे मुलाकात होने के बाद ज्यादातर मालूम हुआ कि यहाँ पर इतने मौलाना और उलमाए का मीटिंग चल रहा बोले तो मैं सोचा एक बार आप सबसे मिले सलाह कर लेता है। कोने कोने का कारखाना से आप सब मिला आज मीटिंग चल रहा है आपका। मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, अल्लाह से दुआ करिए कि अपना देश का अपना कारखाना का महाराष्ट्र का आंध्र प्रदेश का जितने भी लोग हैं उनका शांति और अमन के साथ इस राष्ट्र से इस देश से जो देश में जो राज में शांति और सुख होते हैं वो अच्छी तरीके से वहां का रियासत डेवलपमेंट में चलेगा। जहां भी कोई गड़बड़ है तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आप सब देख रहे हैं पिछले 10 साल में तेलंगाना में कितने शांति सुकून के साथ अमन के साथ इस राह चले हैं, वो भी आप सब देखते देखे। आगे भी ऐसे ही चलना होके हम अल्लाह से दुआ करते हैं। बस आप भी इस देश में हिंदू और मुसलमान दोनों की एक भाई भाई के साथ आगे मिलते जुलके चलना है। तो हम भी जब तक बीआरएस पार्टी जो है हमारा एसीआर साहब है सेक्युलर लीडर है, हम भी कभी भी चाहते हैं कि ये जो हिंदू मुसलमानों का रिश्ता ऐसे ही इस देश में इस दरगाह रियासत में भी मिलकर चलना चाहिए। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़रा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता दसवीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफिक असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पम्प, वट्टापल्ली, हैदराबाद।